गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञानशाला चैनल। माई सेल्फ HPRA, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स को लेकर के, सारणिक के गुणधर्म। ये टोटल जो है 12 प्रॉपर्टीज़ हैं और इनको मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूँगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ को लेकर के। क्या है सारणिक के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, चाहे वो कोई कंपटीशन एग्जाम की बात हो या चाहे बोर्ड एग्जाम्स की बात हो। तो जो 12 प्रॉपर्टीज़ की मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा, मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी या कई बार तीन तीन चार चार प्रॉपर्टीज़ लगा करके उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ट्रांसफॉर्म करके मतलब उसको इस तरह से रूपांतरित किया जाता है कि वो बिल्कुल सरलतम रूप में आ जाए। उसको लास्ट तक हम उस तरह से प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। कोई भी डिटरमिनेंट जब दिया होता है सारणिक को सोल्व करने से पहले, उसमें हम प्रॉपर्टीज़ को इस तरह से यूज़ करते हैं कि वो फाइनली ट्रांसफॉर्म होकर के इजिएस्ट फॉर्म में आ जाए, ताकि हम उसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा। पूरी 12 प्रॉपर्टीज़ हैं और बड़े ईजी वे में, बहुत अच्छे से सरल तरीके से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। आप इसको लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी 12 की 12 प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और ये गारंटेड बात है कि अगर ये 12 प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं आप सारणिक के जो क्वेश्चन हैं, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन हैं, उनको सोल्व करने में कहीं ना कहीं आप अटक सकते हैं। तो इसलिए इनको ध्यान से देखना है। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्या है, यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव शून्य हों, कोई एक पंक्ति या स्तंभ के सारे अवयव शून्य हो, तब सारणिक का मान शून्य होगा। मींस इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए रो और ए कॉलम, मैंने ब्रैकेट में लिखा है कॉलम, मींस आइदर ए रो इज जीरो और ए कॉलम इज जीरो, मींस ईच एलिमेंट ऑफ द रो आर जीरो, उसके सारे जो एलिमेंट्स हैं उस रो के जीरो हैं, एक कॉलम के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। ये सिंपल सी चीज़ है, वैसे समझ में आ जाएगा इजिली। मैं यहाँ पे वैसे कोई एक छोटा सा सारणिक लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि 0102, ये डिटरमिनेंट सपोज मैं सोल्व करना चाह रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, सो 0 into 2 और माइनस फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 into 1, सो ऑब्वियसली 0 आएगा। सीधी सी बात है, 0 हो जाएगा इस तरह से। अगर ऐसे कोई यहाँ पे तो क्या था, फर्स्ट कॉलम जो था वो 0 था, अगर ये रो 0 हो जाती तब भी वो ऐसे 0 0 आता। अगर मान लीजिए कोई 3x3 का भी डिटरमिनेंट है उसमें भी 0 है, ऐसे मैं लिख देता हूँ 0 0 0 1 2 3 3 4 5, ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ये फर्स्ट रो जो है इसका 0 है, तो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में आप इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, इसी के परिचय इसका विस्तार कर दो, 0 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसमें कोई खास काम नहीं है। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है, सारणिक की पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इफ द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, मींस रो और कॉलम को कोरस्पॉन्डिंगली फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो उनको इंटरचेंज करना है म्यूचुअली, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ऐसे अगर करते हैं तो सारणिक का जो मान है वो परिवर्तित नहीं होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल अनचेंज्ड। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। एक्चुअली जब कोई मैट्रिक्स दे रखा है और मैट्रिक्स की अगर रो और कॉलम्स को हम चेंज करते हैं कॉरस्पॉन्डिंगली, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ऐसे चेंज करते हैं, रो कॉलम इंटरचेंज होते हैं, तो जो मिलता है वो ट्रांसपोज होता है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। सो ऑब्वियसली ए का डिटर्मिनेंट और ए का जो ट्रांसपोज होगा उसका डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल आएंगे। देखते हैं कैसे हैं। मैं एक डिटर्मिनेंट लेता हूँ, उसकी मैं बात करता हूँ। चलिए मैं एक 3x3 का डिटर्मिनेंट लेता हूँ, 1 2 -1। ओके, ये मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया और इसको मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, 3x3 का डिटर्मिनेंट है, फिर हम इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे इसमें क्या आता है। चलिए तो मैं इसको सारोस डायग्राम से सोल्व कर लेता हूँ। सारोस डायग्राम के लिए क्या होता है, ये 1 2 -1, ये फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे लिख लेंगे 1 -2 -1, फिर सेकेंड कॉलम 2 3 0 यहाँ पे लिख लिया। अब इसका जो डायगनल है, मेजर डायगनल, इसको मिलाएंगे, मीन्स ये 1 3 1, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, देखिए 1 1 × 3 × 1, तो ये आ जाएगा आपका 3। फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 × -1, तो माइनस का 2 आएगा। फिर उसके बाद इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऑब्वियसली 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, सो ये ऐसे हो गया। फिर माइनस, फिर माइनर डायगनल का, ये वाला जो डायगनल है इसको लेंगे और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, -1 3 और -1, जब तीनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस का 3 हो जाएगा एक्चुअली 3। फिर
इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें यहाँ जीरो आया था ये ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, और फिर उसके बाद वन माइनस टू टू, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का फोर, माइनस फोर। इनको जैसे माइनस करेंगे तो ये तो आ गया वन और ये माइनस, यहाँ पे बचेगा माइनस वन, तो इसकी वैल्यू हो गई टू। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू टू आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसके जो रो और कॉलम्स हैं उनको इंटरचेंज कर देता हूँ। चलिए रो कॉलम को इंटरचेंज करें तो क्या होगा, फर्स्ट रो है वन टू माइनस वन, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सो वन टू माइनस वन। सेकेंड बनेगा माइनस टू थ्री वन, माइनस टू थ्री वन। थर्ड बनेगा माइनस वन जीरो वन, ये थर्ड कॉलम हो गया, ये डिटरमिनेंट बन गया। अब फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं वापस से। चलिए क्या होगा, मैं वापस वही फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को बाहर लिख देता हूँ, वन टू माइनस वन, देन माइनस टू थ्री वन, ये हो गया। अब फिर वैसे ही इन तीनों की मल्टीप्लाई तो वही थ्री आएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई तो प्लस का टू आएगा, और सॉरी जीरो हो जाएगा, इसमें जीरो है बीच में, माइनस वन टू वन, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टू आएगा, ये हो गया। फिर माइनस, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का थ्री, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, और फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का फोर। तो आप देख लीजिए थ्री माइनस टू ये वन बचेगा, और माइनस यहाँ पे माइनस वन होगा तो ऑब्वियसली ये भी क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में वैल्यू टू आती है, चाहे मैं डिटर्मिनेंट को एज इट इज ले लूँ या फिर उसके रो कॉलम को म्यूचुअली इंटरचेंज कर लें। तो रो कॉलम म्यूचुअली इंटरचेंज करने से जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ पे इस वाले सेकंड को देखो फिर उसके बाद थर्ड को देखना। सेकंड में क्या था कि रो और कॉलम को म्यूचुअली इंटरचेंज किया था, मीन्स रो के कॉलम बना दिए थे और कॉलम से रो बना दिया था। यहाँ भी इंटरचेंज है, लेकिन यहाँ दो रो आपस में इंटरचेंज होंगे या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज होंगे। ओके, तो देख लो क्या है, सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा स्तंभों को परस्पर बदलने पर, कोई दो पंक्ति या स्तंभ हैं उनको आपस में बदलते हैं, जैसे पहली और दूसरी पंक्ति को बदल दिया या सेकंड थर्ड कॉलम को किसी को बदल दिया, तो दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणिक का मान ऋणात्मक हो जाता है। मीन्स जो पहले से मान था उसका सिर्फ चिन्ह परिवर्तन होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है चिन्ह परिवर्तन, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस, क्योंकि ऋणात्मक हो जाएगा तो प्लस का मान माइनस में चला जाएगा, माइनस है ऑलरेडी तो वो प्लस हो जाएगा। मीन्स सिंपल सी चीज़ है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, एनी टू रोज, हियर वी आर टॉकिंग जस्ट ओनली अबाउट रोज और कॉलम। ओके, इफ टू रोज आर इंटरचेंज्ड और टू कॉलम्स आर म्यूचुअली इंटरचेंज्ड, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली। सो जो वैल्यू थी, एक तरह से मैं बात करूँ कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही, उसका जस्ट साइन चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे था, मैं इसी की बात कर लेता हूँ, जैसे इसी वाले डिटर्मिनेंट की बात करें, इसकी वैल्यू यहाँ पे टू थी, अगर इसके मैं दो रो या दो कॉलम को चेंज कर दूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टू हो जाएगी। इसको सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो मैं इसको डेल्टा मान लूँगा, सपोज यहाँ पे क्या था, ये वन माइनस टू माइनस वन, देन इट वॉज टू थ्री जीरो, टू थ्री जीरो, माइनस वन वन वन, माइनस वन वन वन, ये डिटर्मिनेंट था। इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी है, टू है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके दो रो या दो कॉलम को आपस में चेंज करता हूँ। चलिए क्या करें, मैं यहाँ पे इसका R1 और R2 को चेंज करता हूँ, और देखिए कैसे लिखा जाएगा, R1 वन मीन्स फर्स्ट रो, R2 टू मीन्स सेकेंड रो, R1 इंटरचेंज विद R2। ये लिखने का मेथड भी है, इसको इस तरह से लिखा जाता है कि आर आई, ये बोथ साइडेड एरो आर जे, इट इज रीड एज आर आई इंटरचेंज्ड विद आर जे, आर आई इंटरचेंज्ड विद आर जे। मैं आर वन आर आई को किसके साथ इंटरचेंज कर रहा हूं, आर जे के साथ में, मैं यहां लिख देता हूं आर आई इंटरचेंज्ड विद आर जे, आर आई इंटरचेंज्ड विद आर जे। सो हियर आई एम गोइंग टू चेंज आर वन विद R2, R1 और R2 को मैं म्यूचुअली इंटरचेंज कर रहा हूं, R1 ये है, R2 ये है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम इंटरचेंज करेंगे, तो क्या आएगा, मींस ये सेकंड रो तो फर्स्ट रो की जगह चला जाएगा, सो माइनस टू, सॉरी माइनस टू थ्री वन, देन वन टू माइनस वन, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, माइनस टू थ्री वन ये फर्स्ट रो बन गया, और वन टू माइनस वन सेकेंड पे आ गया, थर्ड रो एज इट इज रहेगी, सो माइनस वन जीरो वन, ये एज इट इज।
अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देता हूँ, माइनस टू जीरो, सो ये आ गया माइनस टू। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो टू और माइनस ये हो जाएगा जीरो, ये माइनस थ्री, ये वैल्यू आएगी वन और ये माइनस का वन, और फिर यहाँ पे आएगा प्लस का वन, ये तो हो गया जीरो और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा टू। तो अब इसको देख लेते हैं, ये आ गया माइनस फोर, ये ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे हो गया प्लस वन इंटू टू, तो ये आ गया प्लस का टू, माइनस फोर प्लस टू यानी आ गया माइनस का टू। पहले वैल्यू क्या थी? टू थी, अब वैल्यू कितनी आई? माइनस टू, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू डेल्टा थी तो ये वैल्यू क्या हो गई? माइनस डेल्टा, मीन्स जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू था इस वाले डिटर्मिनेंट में वैल्यू क्या हो गई? माइनस में हो गई। ऐसे ही आप चेंज करके देख सकते हैं, मान लीजिए मैं दो कॉलम को चेंज कर दूं, आपस में इंटरचेंज कर लूं, तब भी वो वैल्यू माइनस में चली जाएगी, तो साइन चेंज हो जाएगा। जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे थी, न्यूमेरिकली वो वैल्यू उतनी ही है, लेकिन उसका साइन चेंज हो गया, प्लस से हो गया क्या हो गया? माइनस हो गया। तो ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। देखिए क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी, सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ हो कोई भी, सारणिक की किसी पंक्ति के सभी अवयवों को किसी अचर k से गुणा करने पर, किसी पंक्ति के सभी अवयवों को, एक रो के पूरे जो एलिमेंट्स हैं उन सभी को k से गुणा कर दिया जाए, तो k से गुणा करने पर सारणिक का मान मूल सारणिक के मान का k गुणा हो जाता है। जो पहले उस सारणिक का मान था, केवल एक पंक्ति को k से गुणा किया, तो उसको गुणा करने से सारणिक का मान भी k गुणा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले मान 5 था और मैंने एक पंक्ति में हर अवयव को 2 से गुणा कर दिया, तो अब वैल्यू उसकी 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। यही है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो इज मल्टीप्लाइड बाई कॉन्स्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू का के टाइम्स हो जाएगी न्यू डिटर्मिनेंट। कब? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाई कॉन्स्टेंट के, जिस नंबर से, जिस कॉन्स्टेंट से उस पूरा रो को मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही गुना वो, उतना ही टाइम्स उसकी वैल्यू हो जाएगी। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हियर इज ए डिटर्मिनेंट डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू सिंपली मैं ले रहा हूं 1 2 5 3, ये एक डिटर्मिनेंट है 1 2 5 3। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी सिंपली 1 × 3 − 5 × 2, तो ये हो गया 3 − 10 मीन्स −7, तो ये इसकी वैल्यू आ गई −7। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका जो फर्स्ट रो है उसका 2 times करता हूँ। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, मैं इसकी फर्स्ट रो को क्या कर रहा हूँ? 2 times कर रहा हूँ, मीन्स इसमें मैं 2 का गुणा करूँगा, 2 R1 का 2 times कर दिया। जब मैं R1 को 2 time करूँगा तो एक्चुअल में R1 चेंज हो जाएगी और चेंज होकर के 2R1 बन जाएगी। तो इसको लिखने का मेथड यही है, R1 changes to 2R1। ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी थी क्या था कि कोई भी एक रो को हम k से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सपोज द रो आर आई इज मल्टीप्लाइड बाई के, देन इट विल बी रिटन एज आर आई चेंजेस टू k टाइम्स ऑफ आर आई, मीन्स आर आई आईथ रो को मैंने k से गुणा किया, आई वी पंक्ति को k से गुणा करने पर वो चेंज हो गई, तो उसको लिखेंगे आर आई चेंजेस टू के आर आई, ये ऐसे पढ़ा जाएगा आर आई चेंजेस टू के आर आई। या फिर कॉलम को जैसे सपोज अपन कॉलम में गुणा करते हैं, सो सी आई चेंजेस टू के टाइम्स सी जे, जैसे भी हो वैसे लिखेंगे। तो मैं R1 को 2 times कर रहा हूँ, तो R1 2 times हो जाएगी, तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो जाएगा 4, ये 5 और ये 3, ये डिटरमिनेंट बन गई। इसकी वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 6 और −20, सो ये आ गया −14, तो ऑब्वियसली 2 delta हो गया, इसका दोगुना हो गया, दोगुना किया तो दोगुना ही हो गया। अच्छा चलिए मैं और एक चीज़ करता हूँ, मैं इस बार जो इसका C2 है उसको चेंज करता हूँ, C2 changes to 5 times of C2, इसका 5 गुना कर दिया, C2 को केवल चेंज कर रहा हूँ, इसको C1 as it is रहेगा, सो 1 5, ये तो जो का त्यों रहेगा 2 3 को 5 times करेंगे तो 10 और यहाँ हो जाएगा 15, तो सोल्व कर दीजिए 1 × 15 15 −5 × 10 50, सो दिस इज −35, सो ऑब्वियसली दिस इज 5 times ऑफ डेल्टा, 5 गुना हो गया उसका। तो सीधी सी बात है कि अगर एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी भी राशि से गुना किया जाए तो सारणिक भी उतना ही गुना हो जाएगी। अब आप एक चीज़ सोचो, मैं आपके एक काम करता हूँ, मैं दोनों को चेंज करता हूँ, मैं क्या करूँ, इसके जितने भी एलिमेंट हैं हर जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मीन्स
सबको दोगुना। अब इसका आप एक चीज सोचो, मैं एक सारणिक आव्यूह के रूप में लेता हूं, आव्यूह ए लिखो 1 2 5 3, यह आव्यूह है, मैंने मैट्रिक्स ले लिया। अगर इस डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स के फॉर्म में ले रहा हूं, मतलब मैं मैट्रिक्स ए लिया, तो मैट्रिक्स ए अगर मैं लेता हूं तो सिंपल सी बात है कि जो डिटरमिनेंट ए आएगा वो यही बन जाएगा 1 2 5 3। सो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या आएगी, -7। अब अगर मैं ए का 2 times कर देता हूं, 2a निकालता हूं सपोज, तो 2a का मतलब क्या, एक्चुअली जब मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के तो हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई होती है, तो फर्स्ट रो में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, सेकंड रो में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट रो में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 2, यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 10 और यहां हो जाएगा 15। अब आप डिटरमिनेंट निकालिए इसका, 2a का डिटरमिनेंट। अब ये कितना आएगा देखो, ये 2 4 10 15 मल्टीप्लाई कर दो, 15 इज 30 और माइनस दिस इज 40, सो ऑब्वियसली दिस इज माइनस 2 4 10, सॉरी इट वाज 6, सो दिस विल बी 12 एंड माइनस 40, 12 माइनस 40 सो दिस विल बी -28 एंड दिस इज ऑब्वियसली 4 times ऑफ डिटरमिनेंट ए। जो डिटरमिनेंट ए था अब ये उसका 4 times हो गया, 4 times ऑफ डिटरमिनेंट ए। ओके, 4 times ऑफ डिटरमिनेंट ए। एक्चुअली क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में है कि कोई मैट्रिक्स है ए, अब मैं यहां लिख रहा हूं इसको देखना ध्यान से, मैट्रिक्स ए है, इस ए को मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूं और तब इसका मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं, मींस डिटरमिनेंट ऑफ के ए दिस विल बी इक्वल टू के टू द पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, वेयर ए, दिस मैट्रिक्स ए, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बाई एन, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बाई एन, मीन्स ए जो है वो एन बाई एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है। तो अगर मैं ए को के से मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकालता हूं तो के टू द पावर एन ऑफ डिटरमिनेंट ए हो जाएगा। यहां एक्चुअली 2 by 2 का था, ए का अगर ऑर्डर देखें तो 2 by 2 था, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं ए को 2 by 2 मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 की पावर 2, यानी ये हो जाएगा कितना, 4 times ऑफ डिटरमिनेंट ए। अगर सपोज मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया होता, मैं इसको 3a निकालूं, ठीक है, और 3a का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं तो क्या होगा, देखो 3a बनाते हैं, ये हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 15 और यहां हो जाएगा 9, ये हो गया। सो 3a का डिटरमिनेंट, 3a का जो डिटरमिनेंट निकलेगा वो क्या होगा, देखो ये 3 6 15 एंड 9, ये हो गया 27 और ये हो गया माइनस का 90। ओके, सो इसको निकाल लो आप, सो ये हो जाएगा माइनस का 63। अब इस -63 को मैं लिखूंगा एक्चुअली 9 times ऑफ -7 और ये 9 तो हो गया 3 का स्क्वायर और ये -7 था डिटरमिनेंट ऑफ ए, 3 square into डिटरमिनेंट ए। सो 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 3 square, क्योंकि ए जो है 2 by 2 ऑर्डर का था तो 3 का स्क्वायर हो गया। सो जो भी जितना भी ऑर्डर का है उतना अगर मल्टीप्लाई, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी उतनी पावर में चला जाएगा। सो ये यहाँ से एक डिडक्शन टाइप से है, प्रॉपर्टी तो ऊपर जो थी यही है, लेकिन इसमें से इसको भी याद रखना है कि इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बाई एन, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बाई एन, देन डिटरमिनेंट ऑफ के ए मीन्स ए इज मल्टीप्लाइड बाई के एंड देन वी ट्राई टू फाइंड द डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट ऑफ के ए विल बी के टू द पावर एन टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, सारणिक ए का के की पावर एन गुना हो जाएगा जितना भी उसका ऑर्डर होगा। मैं और एक मैट्रिक्स लिख देता हूं यहां पे, मान लीजिए ए इक्वल टू मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 2 3 4, कुछ भी 4 5 6, मैंने ऐसे एक मैट्रिक्स लिख लिया और मैं इसका 5 times करता हूं, अगर 5a अगर निकालता हूं तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी, 5a का डिटरमिनेंट जो होगा वो होगा 5 to the power 3 इंटू डिटरमिनेंट ए, मीन्स ये 3 by 3 ऑर्डर का है तो ये 5 की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर ए के
ए में के का मल्टीप्लाई करके उसका हम सारणिक निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो वो के टू द पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ए हो जाएगा। सो ये है डिटरमिनेंट का फोर्थ प्रॉपर्टी। इसी को एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, इसको हम जनरली उल्टा यूज़ करते हैं। उल्टा कैसे यूज़ करते हैं, अब देखो सपोज यही वाले का इसमें और उसमें आप ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट रो था इसका, मैंने क्या किया था, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी ये वैल्यू आई, तो 2 डेल्टा बन रही है ना। तो आप इसको उल्टा सोचो, एक्चुअली देखो ये था 2, 4, 5, 3, ये डिटरमिनेंट था। मैंने क्या किया था, जो फर्स्ट रो थी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे 2 बाहर आ गया हो, कॉमन में इसको लिख सकता हूं कि 2 टाइम्स, ये जो डिटरमिनेंट आया ये किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा। और इसको अगर मैं बात करूं तो 2 टाइम्स डेल्टा क्या था आपका, डेल्टा ये रहा, डेल्टा था 1, 2, 5, 3। सो ये 2, 4, 5, 3 जो है ये 2 टाइम्स हो गया 1, 2, 5, 3 का। अब ये ऐसा लगता है जैसे ये फर्स्ट रो में से 2 कॉमन आकर के बाहर आ गया, क्लियर। ऐसे अगर इस वाले की बात करूं, इसमें मैंने C2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, और जब मैंने C2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था तो ये क्या आया था, 5 डेल्टा। इस 5 डेल्टा को मैं ऐसे लिखूं कि 5 टाइम्स और डेल्टा वही है 1, 2, 5, 3। तो ये भी ऐसे हो रहा है, देखिए 1, 10, 5, 15, ये वाला हो गया 5 टाइम्स 1, 5, 2, 3। मीन्स जो डिटरमिनेंट है ऐसा हो रहा है जैसे इसमें से 5 कॉमन आ गया, कॉमन आकर के बाहर उसने मल्टीप्लाई किया। इसमें से भी ऐसा था जैसे फर्स्ट रो में से 2 कॉमन आ गए, यहाँ आकर के मल्टीप्लाई करेगा। और एक्चुअली ये ऐसे ही यूज में लेना है, जब प्रॉपर्टीज की बात आएगी, हम जब डिटरमिनेंट सोल्व कर रहे होंगे तो उनको हल करते समय हमें ये इस तरह से यूज करना है कि अगर किसी भी कॉलम में से या किसी भी रो में से कोई चीज कॉमन आ सकती है तो वो कॉमन आएगी और बाहर आकर के वो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करेगी। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है, मीन्स ये प्रॉपर्टी जो थी इसको ऐसे हमने कहा था कि सारणी के किसी पंक्ति को किसी कॉन्स्टेंट से गुणा करें, किसी अचर से गुणा करें तो सारणिक का मान के गुणा हो जाता है। इसको उल्टा याद रखना है कि सारणिक के किसी पंक्ति से अगर कोई अचर के कॉमन लिया जा सकता है तो बाहर आकर के सारणिक का उतना गुणा हो जाएगा। तो चलिए ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी, अब बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। तो देखो क्या है फिफ्थ प्रॉपर्टी, सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ, कोई भी एक चीज़ की बात करें, सारणी की किसी पंक्ति के सभी अवयवों को किसी अचर के से गुणा करके, कोई अचर राशि है उससे गुणा करके दूसरी पंक्ति के संगत अवयव में जोड़ने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। क्या है, सारणी की कोई एक पंक्ति है उसके सारे अवयवों को, सभी अवयव जो हैं उनको किसी अचर राशि से गुणा करेंगे, कोई एक सेम नंबर से कोई भी राशि कोई भी अचर लेंगे उससे हर अवयव को गुणा करेंगे, और गुणा करके उसमें लिखना नहीं है, उनको दूसरी पंक्ति के संगत अवयव में जोड़ देना है। ऐसा करने से सारणिक का जो मान है वो अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। If each element of a row is multiplied by a constant and elements are added to some other row correspondingly, means जो row दे रखी है उस row के elements को, कोई भी एक row के elements को कोई भी एक constant से multiply करेंगे और उसको second row में, कोई भी other row में corresponding elements में उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसा करने पर जो वैल्यू है सारणिक की डिटरमिनेंट की वो अनचेंज रहेगी। तो क्या कहती है प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट एंड देन एडिड टू सम अदर रो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। सो क्या होता है, एक्चुअली एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। क्या है, सपोज मैं यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू एक डिटरमिनेंट लिखता हूं ऐसे ही 4, 2, 3, 5, ये है डेल्टा। अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो ऑब्वियसली ये होगी 20 माइनस 6, दिस इज 40। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका जो फर्स्ट रो है R1, मैं R1 में क्या करता हूं, R2 में मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करूंगा। कैसे करूंगा, मैं एक्चुअली R2 को 2 टाइम्स ऐड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मीन्स 2 ऑफ R2 कर रहा हूं, R2 का 2 टाइम्स करके, और मैं इसको R1 में ऐड करूंगा, means plus R1, 2 times of R2 is added to R1, means R1 change हो रही है। लिखना कैसे है, R1 changes to R1 plus twice of R2, R1 को हम चेंज कर रहे हैं कैसे, R1 में मैं ऐड कर रहा हूँ twice of R2, यानी R2 का दोगुना। ये R2 थी 3-5 वाली, इसको 2 से गुना करके उसमें ऐड कर देंगे, यहाँ गुना नहीं करना है, इसको गुना करके उसमें ऐड करना है, जोड़ना है उसमें। तो कैसे करना है,
ये लिखा भी ऐसे जाता है, देखो गुणा तो किसको कर रहे हैं, आर टू को, जोड़ किस में रहे, आर वन में। एक्चुअली आर टू चेंज नहीं होगी, सिर्फ आर वन चेंज होगी। कैसे होगी, देखो आर टू है थ्री और फाइव, मैं तीन को दो से गुणा करूंगा, थ्री को मल्टीप्लाई करूंगा टू से, और किस में जोड़ दूंगा इसको, इसका दो गुना, इसमें चार में जोड़ दिया जाएगा। तो जहां चार था वो चार अब हो गया फोर प्लस टू इंटू थ्री, मीन्स ये हो गया फोर प्लस सिक्स, तो ये हो जाएगा टेन। और जो टू था ये टू चेंज होकर के हो जाएगा, इसका टू टाइम्स इसमें ऐड हो जाएगा, यानी टू प्लस टू इंटू फाइव, यहाँ थ्री का टू टाइम्स जोड़ दिया था, फाइव का टू टाइम्स करके उसमें जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा ट्वेल्व। तो कैसे होगा, अब जो नया डिटर्मिनेंट आएगा उसमें क्या होगा, ये फोर की जगह तो क्या आ जाएगा टेन, तीन दोनों छः और चार दस, पाँच दून दस और दो बारह, तो यहाँ हो गया ट्वेल्व। ये थ्री फाइव झुका तू रहेगा। फिर ध्यान से देख लो, जो R2 है उसको चेंज नहीं किया, एक्चुअली R2 का टू टाइम्स करके R1 में ऐड किया है, तो चेंज हुई R1। इसको लिखा भी ऐसे जाता है, क्या है यहां इस तरह से लिखते हैं कि आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आर जे। मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं, आर जे को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके और किस में ऐड कर रहा हूं, आर आई में, तो चेंज क्या होगा आर आई, आर जे चेंज नहीं होगा, आर जे के एलिमेंट्स को यहां लिखा है ना कि ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, ये जो ये तो है आर जे, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ईच एलिमेंट ऑफ रो आर जे इज मल्टीपल ऑफ द डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट जो है ये है लैम्डा कांस्टेंट, एंड एडिड टू अदर कोरस्पोंडिंग कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम सब अदर रो, ये जो अदर रो है दैट इज आर आई। सो मैंने क्या किया, आर जे के एलिमेंट्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके किस में ऐड कर दिया, आर आई में, चेंज क्या हुई आर आई, तो इसको लिखेंगे आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस लैम्डा आर जे। ऐसे अगर कॉलम चेंज होते हैं तो आप कॉलम को लिख सकते हो कि सिर्फ सी आई चेंजेस टू सी आई प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सी जे, मैं सी जे को जेथ कॉलम को लैम्डा का मल्टीप्लाई करके लैम्डा से गुणा करके सी आई में जोड़ता हूँ। चलिए तो ये ऐसे में कर रहा हूँ उसको। अब जो ये डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए तो ये करो, ये 50 और माइनस 36, सो ये आ गया 14, पहले भी 14 था अभी भी 14 है, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। चलो जैसे ये था, मैं और कुछ चेंज कर लूं, कैसे भी इसको चेंज किया जा सकता है, अच्छे से मैंने ऐड किया, मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, ऐसा भी तो हो सकता था मैं इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देता। देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं अब के सी वन को चेंज करता हूं कि C1 प्लस माइनस टू टाइम्स ऑफ C2, C2 का माइनस टू टाइम करके और C1 में ऐड करता हूं, या फिर इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हो क्या कि C1 चेंजेस टू C1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2। तो कैसे भी जैसे इच्छा हो उस तरह से लिख सकते हैं। क्या होगा, अब C1 चेंज हो रहा है, इसका टू टाइम्स करके इसमें ऐड कर रहे हैं, तो इसका टू टाइम्स करो, ये हो गया फोर, फोर माइनस फोर यहां हो जाएगा जीरो, और इसका टू टाइम्स होगा टेन, टेन यहाँ माइनस होगा, सो यहाँ हो जाएगा माइनस का सेवन, ये टू फाइव एज इट इज रहेगा टू फाइव। अब इसकी वैल्यू फाइंड करो, ये तो जीरो इंटू फाइव जीरो हो गया, फिर माइनस टू इंटू माइनस सेवन यानी माइनस का फोर्टीन, माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ गया फोर्टीन आ गया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे भी उसमें एक में मल्टीप्लाई करके दूसरे वाले में उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट कर दें, कुछ भी कर लें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए सपोज मैं डिटरमिनेंट लेता हूँ वन टू थ्री फोर थ्री फाइव, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 22 और 19 31, ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। इस डिटरमिनेंट के लिए मैं बात करता हूं, क्या है ये जो तीनों रो हैं, एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या जीरो आएगी, देखो क्या होगा, इसको देखने से तो नहीं लग रहा है पर मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे मैं आर थ्री को पहले चेंज करूंगा, और आर थ्री को किस तरह से चेंज कर रहा हूं मैं आर थ्री में एड करूंगा इसका फाइव टाइम्स करके और उसको माइनस करेंगे, एक्चुअली मीन्स माइनस फाइव टाइम्स ऑफ आर टू, R2 का माइनस फाइव टाइम्स करके इसमें ऐड कर रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि R3 चेंजेस टू R3 माइनस फाइव टाइम्स ऑफ R2, जैसे आपको कन्वीनियंट हो उस तरह से लिख सकते हैं।
फाइव टाइम्स माइनस कर लें या माइनस फाइव टाइम्स को ऐड कर दूं। अब क्या होगा, आर थ्री चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली आर वन आर टू रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होंगी। सो वन फोर थ्री फोर थ्री सॉरी वन टू थ्री फोर थ्री फाइव, ये एस डीज रहेगा। अब इसका फोर टाइम फाइव टाइम्स करके इसमें माइनस करना है। सो यहाँ ट्वेंटी माइनस होगा तो यहाँ बचेगा टू, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये फाइव टाइम्स फिफ्टीन जाएगा तो यहाँ बचेगा फोर सॉरी फोर, और यहाँ से फाइव ट्वेंटी फाइव जाएगा तो यहाँ बचेगा सिक्स, ये आ गया। ठीक है, मैं इसमें अभी एक और ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ये एक्चुअली इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आएगी, ये आपको सपोज प्रूव करना है या ये शो करना है कि जीरो है। चलिए अब देखो, मैं एक बार फिर कर रहा हूँ, मैं आर थ्री को ही वापस चेंज कर रहा हूँ, आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री माइनस ट्वाइस ऑफ आर वन। आप ध्यान से देखो, इस आर वन का टू टाइम्स है पूरा। जैसे ही मैं ये चीज़ परफॉर्म करूँगा तो क्या होगा, ये फर्स्ट सेकेंड दो एस डीज रहेंगे, सो वन टू थ्री फोर थ्री फाइव, ये एस डीज रहेगा। जब इसका टू टाइम यहाँ माइनस होगा तो जीरो हो जाएगा, ये टू टाइम यहाँ माइनस होगा तो जीरो हो जाएगा, ये टू टाइम यहाँ माइनस होगा तो ये जीरो हो जाएगा, और अब इसकी वैल्यू जो है फाइनली क्या आ जाएगी, जीरो। ये भी एक प्रॉपर्टी थी, सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी यही थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी में यही था, इफ़ वन ऑफ द रो और ए कॉलम इज जीरो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम आर जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। सो अगर सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव जीरो हो तो उसका मान शून्य होता है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और बताऊँ, देखो यहाँ ध्यान से देखो, मैंने दोनों बार क्या किया, पहली बार भी आर वन आर थ्री को चेंज किया, दूसरी बार भी आर थ्री को ही चेंज किया, और पहली बार आर थ्री चेंज हुआ था आर टू से, दूसरी बार आर थ्री चेंज हुआ आर वन से। मैं ये दोनों ऑपरेशन एक साथ भी परफॉर्म कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने इसको एक्चुअली यहाँ पे लिखा है। दोनों को कैसे एक साथ, मीन्स मैं आर थ्री को चेंज कर दूँ कि आर थ्री माइनस फाइव टाइम्स ऑफ आर टू, फाइव टाइम्स ऑफ आर टू एंड माइनस टू टाइम्स ऑफ आर वन, माइनस टू टाइम्स ऑफ आर वन, या ऐसे कह सकता हूँ यहाँ मैं ब्रैकेट लगा दूँ और इसको प्लस कर दूँ, मीन्स आर टू का फाइव टाइम्स और इसका टू टाइम्स करके ऐड करें। देखो फाइव इसका फाइव टाइम्स करो ट्वेंटी हो गया, और प्लस इसका टू टाइम ट्वेंटी टू, या माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। फाइव थ्री फाइव टाइम्स का करो फिफ्टीन, और इसका टू टाइम फोर फिफ्टीन फोर नाइनटीन, या जीरो हो जाएगा। इसका फाइव टाइम्स करो ये ट्वेंटी फाइव, और इसका टू टाइम सिक्स ट्वेंटी फाइव और सिक्स ट्वेंटी थर्टी वन, ये जीरो हो जाएगा। सो ऐसा भी कर सकते हैं कि ये दोनों ऑपरेशन दोनों को मिला के एक साथ लगा सकते हो, और ऐसा करने से सेम यही आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड रो तो चेंज नहीं होंगे। सो वन टू थ्री और फोर थ्री फाइव, ये एज इट इज रहेंगे, और जो लास्ट रो है इसका फाइव टाइम्स ट्वेंटी, देख लो इसका फाइव टाइम्स ऑफ आर टू प्लस टू टाइम्स ऑफ आर वन, इसका पाँच गुना और इसका दो गुना, पाँच चौक बीस और दो बाईस, बाईस यहाँ घटाओगे जीरो, तीन पंजे पंद्रह और चार उन्नीस, पाँच पंजे पच्चीस और छः इकतीस, तो ये लास्ट वाली रो हो गई जीरो जीरो जीरो। तो अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी जीरो, चूँकि लास्ट रो जीरो है। ठीक, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार में एक ही चीज़ को लें, जैसे मान लीजिए मैंने आर आई को चेंज किया था तो आर आई को चेंज करने के लिए केवल आर जे था, ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप से भी ऑपरेशन हो सकता है कि आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आर जे, आर जे का लैम्डा टाइम्स और प्लस सपोज म्यू टाइम ऑफ आर के, आर जे और आर के दो रो लिए और इसका म्यू टाइम्स इसका लैम्डा टाइम्स करके भी इसमें ऐड कर दिया, तब भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। मीन्स आर आई को चेंज करने के लिए केवल आर जे भी हो सकता है और आर जे आर के दोनों को भी यूज कर सकते हैं, मीन्स दो रो या दो कॉलम एक साथ मिलकर के थर्ड रो या थर्ड कॉलम को उसको तीसरे को चेंज कर सकते हैं। तो ये था फिफ्थ प्रॉपर्टी, अब बात करते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी की। देखो क्या है प्रॉपर्टी सिक्स, इसमें है कि यदि सारणी की कोई दो पंक्ति, या वैसे स्तंभ के लिए बात है कि कोई दो पंक्ति समान हो तब सारणी का मान शून्य होगा। दो पंक्तियाँ एक जैसी हों या दो कॉलम एक जैसे हों, मीन्स इफ टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मीन्स सेम होनी चाहिए, जैसी रो एक है वैसी दूसरी की दूसरी भी होनी चाहिए। इफ़ टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। इफ टू रोज आइडेंटिकल और मे बी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हों एक जैसे हों बिल्कुल, तो सारणी का मान जीरो होगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, चलो एक एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। देखो सपोज मैं एक एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव एट और वन टू थ्री, इसका जो फर्स्ट रो और थर्ड रो है वो दोनों आइडेंटिकल हैं। मैं इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूँ, चलो देखो क्या होगा,
कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे पहले वाली, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि अगर मैं आर वन और आर टू को माइनस कर दूँ तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। बाकी वैसे भी निकाल के देख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाता हूँ कि आर वन चेंजेस टू आर वन माइनस आर थ्री, मीन्स आर थ्री को माइनस वन से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दें, या सिंपली आर वन में से आर थ्री आप घटा दो। तो मैं आर वन को चेंज कर रहा हूँ, जब ये यहाँ घटेगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। ये टू यहाँ घटेगा तो जीरो, थ्री यहाँ पर जाएगा तो जीरो, और ये फोर फाइव एट, और ये वन टू थ्री, तो अब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। बाकी इसको एज इट इज सोल्व करके देखते हैं, चलो इसकी वैल्यू जीरो आती है नहीं आती है। मैं चलिए इसको ये फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर लेता हूँ। तो ये वन आएगा, इस वन के साथ में आएगा आपका फाइव एट टू थ्री, फिर माइनस का टू, टू के साथ में आएगा फोर एट वन थ्री, और फिर आएगा प्लस का थ्री, और थ्री के साथ आएगा फोर फाइव वन टू, फोर फाइव वन टू। चलो इसको सोल्व करते हैं। वन ये हो गया फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन, ये माइनस का टू, और ये हो गया ट्वेल्व माइनस एट, और ये हो गया प्लस का थ्री एट माइनस फाइव। सो क्या हो जाएगा, ये 15 माइनस 16 मीन्स माइनस वन, ये यहाँ पे बचेगा 4 और माइनस का हो जाएगा 8, फिर ये यहाँ पे बचेगा 3 और ये हो गया प्लस का 9, माइनस वन माइनस एट, नाइन माइनस नाइन प्लस जीरो, वैल्यू जीरो आ रही है। तो ये ऑपरेशन लगा के देख लें, डायरेक्ट इसकी वैल्यू जीरो आएगी। सो क्या है कि अगर दो रो आइडेंटिकल हों या दो कॉलम भी आइडेंटिकल हो जाएं तो वैल्यू जीरो हो जाती है। अच्छा इसका यूज़ क्या है एक्चुअल में, देखो मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ, वन 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 ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, ये सेकेंड कॉलम। अब थर्ड कॉलम लिखता हूँ मैं यहाँ पे, थर्ड कॉलम है बी सी, सी ए, ए बी, ये डिटर्मिनेंट है एंड यू हैव टू प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। क्या है प्रॉपर्टीज, देखो कैसे यूज होती हैं। मैं इसमें काम कर रहा हूँ, उसका जो कॉलम C2 है, सेकंड कॉलम जो है मैं उसको चेंज करूँगा कैसे, C2 प्लस C3 से, थर्ड कॉलम को मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा वन वन वन, देखो ये एक्चुअली ए बी प्लस ए सी है, सो ए बी प्लस ए सी, जब ये बी सी और इसमें ऐड हो जाएगा बी सी, यहाँ पे बात करें तो ये है बी सी प्लस ए बी, इसमें सी ए और ऐड हो जाएगा प्लस सी ए। थर्ड वाले कॉलम की बात करें तो थर्ड वाला है ये सी ए और प्लस बी सी, इसमें ए बी और ऐड हो जाएगा, और लास्ट वाला कॉलम एज इट इज रहेगा बी सी सी ए ए बी। अब देखो फिर एक प्रॉपर्टी यूज में आएगी, ये तीनों जगह ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ गया तो इस पूरे कॉलम में से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आ सकता है, ठीक है, ये कॉमन लिया जा सकता है। ये कौन से वाली प्रॉपर्टी है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी में अगर इसमें से कुछ कॉमन आता है, जैसे इसमें बताया था ना कि कोई चीज़ की मल्टीप्लाई करें एक में तो वो उतने की मल्टीप्लाई हो जाती है, इसको मैंने बताया था कि इसको उल्टा याद रखना है कि किसी रो या कॉलम में से कोई चीज़ आइडेंटिकल वो सेम चीज़ कॉमन आती हो तो बाहर आकर के मल्टीप्लाई करेगी। तो अब ये चीज़ बाहर आ जाएगी, बाहर आएगा तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बाहर आ गया। बाहर आने के बाद में ये तो मल्टीप्लाई में आ गया, फर्स्ट कॉलम वन वन वन, सेकेंड कॉलम जब ये तीनों जगह से कॉमन चला गया तो ये भी वन 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 हो गया, और थर्ड कॉलम बी सी सी ए ए बी, ये हो गया। अब इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो जीरो। कैसे है जीरो, कि यहां लिख दो आप इसका सी वन और सी टू क्या है, दोनों आइडेंटिकल, सी वन आइडेंटिकल टू सी टू, ये साइन लगाते हैं ऐसे, सी वन और सी थ्री सी टू आइडेंटिकल है इसलिए इसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो ऐसे ये यूज में आती है प्रॉपर्टी, कहीं भी इस टाइप से कोई चीज आ जाए तो आपको ये इसी वे में इस तरह से इसको आप यूज में ले सकते हैं। मैं और लिखूं, चलो एक एग्जांपल देखो, मैं यहां पे लिख लेता हूं एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और यहाँ लिख देता हूँ जेड, यहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ वन वन वन, ये सेम इसी की तरह से है, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें आपको सी वन को चेंज करना है सी वन और प्लस सी टू से। जैसे आप सी वन प्लस सी टू करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वो बाहर आ जाएगा, ये वन 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 हो जाएगा, ये भी वन 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 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये है आपकी सिक्स प्रॉपर्टी। चलिए अब बात करते हैं सेवन प्रॉपर्टी की। देखो क्या है सेवन प्रॉपर्टी में, कि यदि सारणी की किसी पंक्ति के सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योग के रूप में हों तब उस सारणी को उसी क्रम की दो या अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इफ एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए रो
are expressed as the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants of the same order. क्या है कोई एक एक पंक्ति को या एक स्तंभ को लेके बात होगी कि उसके सभी अवयव या तो दो दो अवयवों के रूप में या तीन तीन के रूप में योग के रूप में हों, जितने भी होंगे. जैसे मान लीजिए दो दो अवयवों के योग के रूप में हैं तो वो सारणिक जो है दो सारणिकों के योग के रूप में टूट जाएगा और वो जो उस पंक्ति में जो अवयव हैं दो दो उनमें से एक एक अवयव एक सारणिक में रह जाएगा, एक एक अवयव दूसरे सारणिक में चला जाएगा, बाकी की जो पंक्तियाँ या स्तंभ हैं वो एज इट इज रहेंगे. मीन सिर्फ एक एक पंक्ति या एक स्तंभ के आधार पर वो दो जगह हो जाएगा, दो के योग के रूप में आ जाएगा, एक ही पंक्ति एक स्तंभ के. एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं. देखो सपोज ऐसा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँ कि ए वन प्लस ए टू और यहाँ लिखूँ बी वन प्लस बी टू और यहाँ लिख देता हूँ सी डी. ये डिटर्मिनेंट है. अब मैं इसकी वैल्यू निकालूँ, मतलब ये इस तरह से हो सकता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए वन सी बी वन डी और प्लस ए टू सी बी टू डी. ये है एक्चुअली भरना. मीन्स इसकी जो फर्स्ट रो थी उसमें ए वन प्लस ए टू बी वन प्लस बी टू इस टाइप से दो दो एलिमेंट थे, तो इस रो को तो एस डी रखा सी डी को, इसमें से एक एक एलिमेंट तो एक उसमें डिटर्मिनेंट ले लिया और दूसरा एलिमेंट दूसरे डिटर्मिनेंट में चला गया. ऐसे ये हो जाएगा. अच्छा इसको अगर सोल्व करके देखें, देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा ए वन प्लस ए टू इन टू डी और माइनस फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, सो बी वन प्लस बी टू इन टू सी. ये वैल्यू आएगी एक्चुअली. अच्छा यहाँ से अगर वैल्यू देखें, देखो इस वाले की वैल्यू आएगी ए वन डी और माइनस बी वन सी, ए वन डी माइनस बी वन सी, ये तो इसकी वैल्यू हो गई, प्लस इसकी वैल्यू होगी ए टू डी और माइनस बी टू सी. ठीक है, ये एक्चुअली इस तरह से है, जैसे इस ए वन और डी की मल्टीप्लाई करके तो एक साथ रख लूँ ए वन डी और इसमें से मैं ले लूँ बी वन सी, ए वन डी ये वाला और माइनस का बी वन सी माइनस बी वन सी, ये दोनों एक साथ ले लिए और प्लस ए टू डी और माइनस ये बी टू सी, ये दोनों एक साथ आ जाए. तो ऐसे ये है. तो क्या है फंडा कि अगर एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट दो दो के योग के रूप में है तो उसको दो समान क्रम के क्रम उतना ही है. देखो इसका टू बाई टू था, यहाँ भी टू बाई टू के दो डिटर्मिनेंट बन गए, तो इनके योग के रूप में इनको लिख दिया. मैं और ले लूँ, चले थ्री बाई थ्री का कोई ले लेते हैं सारणिक, उसमें बात करते हैं. मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ए बी सी एक्स वाई जेड एल प्लस पी एम प्लस क्यू एन प्लस आर, ऐसे मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया. ठीक है, तो होगा क्या एक्चुअली, ये इक्वल टू हो जाएगा. देखो ये दो कॉलम था, इसका जो थर्ड कॉलम है दो दो के योग के रूप में है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये दो कॉलम तो एज इट इज रहेंगे, ए बी सी ये जो कहते हूँ एक्स वाई जेड भी एज इट इज, और उसके बाद इसमें से एलिमेंट को ले लिया एक डिटर्मिनेंट बन गया, प्लस फिर दूसरे वाले में ये दोनों जो के तो रहेंगे ए बी सी ए बी सी और ये एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड ये एज इट इज रहेंगे, और उसके बाद जो थर्ड कॉलम है इसमें आ जाएगा पी क्यू आर पी क्यू आर. तो ऐसे ये दो के योग के रूप में होगा. अच्छे हो कैसे रहा है इसकी बात करते हैं. चलो देखो इस वाले में मैं क्या करूं, इसको मैं इस सी थ्री के रेस्पेक्ट में ही इसको एक्सपेंड कर दूं, एक्सपेंडिंग अलोंग सी थ्री, सी थ्री के सापेक्ष प्रसार कर दें इसका, तो क्या होगा, ये एलिमेंट्स एज इट इज इनके वो लेंगे कोफैक्टर्स लेंगे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ये एल प्लस पी लूंगा एल प्लस पी प्लस का ही रहेगा और इस एल प्लस पी के साथ में आएगा इसी की रो और कॉलम छोड़ देंगे तो बी वाई सी जेड बी वाई सी जेड, फिर माइनस आएगा प्लस माइनस प्लस होता है तो माइनस का एम प्लस क्यू और इस एम प्लस क्यू के साथ में इसके वाली रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो ए एक्स सी जेड ए एक्स सी जेड और फिर प्लस का एन प्लस आर ये वाला एन प्लस आर के साथ में आएगा ये रो और कॉलम छोड़ने के बाद में ए एक्स बी वाई ए एक्स बी वाई. चलिए क्या होगा अब देखो मैं इनको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, इनको मैं सोल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना सा काम करूंगा कि इनको दो दो टुकड़ों में लिख लूंगा एल की मल्टीप्लाई करके एल बी वाई सी जेड प्लस का पी पी के साथ भी एस टीज इसको बी वाई सी जेड फिर यहाँ पे माइनस एम एम के साथ में ए एक्स सी जेड
और माइनस का क्यू, क्यू के साथ में ए एक्स सी जेड, ये हो गए। फिर ऐसे ही एन प्लस आर में प्लस का एन, एन के साथ में स्क्वायर स्टिज ए एक्स बी वाई, और फिर प्लस का आर, आर के साथ में भी सॉरी ए एक्स बी वाई, ये हो गए। अब देखो ये छः हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6, इनमें से मुझे इस तरह से एडजस्ट करना है ये एल बी वाई सी जेड, ये दो ये रखूं, इस एल के साथ में माइनस एम वाला लूं, माइनस एम, एम के साथ में क्या था ए एक्स सी जेड, एम हो गया, और फिर उसके साथ में प्लस का एन, एन के साथ में था आपका ए एक्स बी वाई, ये हो गया। ये तीनों तो मैंने एक साथ ले लिए, ठीक है। उसके बाद ये बाकी जो तीनों बचे पी क्यू आर वाले, इन तीनों को एक साथ ले लूंगा। सो प्लस का पी, पी वाला उपसारणिक ये, और माइनस का क्यू, फिर क्यू वाला उपसारणिक, और प्लस का आर, फिर आर वाला उपसारणिक, ये तीनों एक साथ। अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो तीनों हैं, इन तीनों में देखो ये चीज सेम थी, एज इट इज है तीनों, बस ये एल एम एन है, तो एक तरह से क्या हो गया, थर्ड कॉलम का काम करेंगे। सो ए बी सी एक्स वाई जेड, और थर्ड कॉलम हो गया एल एम एन, ये हो गया। ऐसे जब ये पी क्यू आर वाले लेंगे तो ऐसे ये हो जाएगा, इसमें भी यहाँ पे ये ए बी सी एक्स वाई जेड, और यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू आर। सो ये ऐसे हो गया, जैसे ये दो रो में दोस में डिटरमिनेंट्स में हो गया, तो इस तरह से जो दोनों कॉलम थे उनको एज इट इज रखना होता है, और इसमें जिसमें दो दो एलिमेंट है उनमें से एक एक एलिमेंट एक डिटरमिनेंट और एक एक एलिमेंट दूसरे वाले डिटरमिनेंट में चला जाता है। तो इस तरह से मिला करके ये दो दो थे, अगर मान लीजिए तीन तीन होते तो सेम ऑर्डर के तीन डिटरमिनेंट में चला जाता, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन काम आती है। इसमें जितने मैंने प्रॉपर्टीज बताई, इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, ये जो है एक स्टार्टिंग में जिसका एक रो जीरो होगा वो वाले, एक सिक्स्थ में जिसमें दो आइडेंटिकल होंगे ये वाले, ये ज़्यादा काम में आते हैं, लेकिन इसको भी याद रखना है, अच्छी प्रॉपर्टी है। चलिए अब बात करते हैं एट्थ प्रॉपर्टी की। देखो क्या है एट्थ प्रॉपर्टी में, वर्गाव्यूह ए की किसी पंक्ति के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफलों का योग। किसी पंक्ति के अवयव लेंगे और उन अवयवों के सहखंड लेंगे, अवयवों का और सहखंडों का गुणा करेंगे, गुणा कर करके उनको जोड़ देंगे, तो किसी पंक्ति के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफलों का योग सदैव सारणिक ए के बराबर होता है। यानी जो अवयव ए का सारणिक आएगा उसके मान के बराबर आएगा वो। तो अवयव की कोई एक पंक्ति लेनी है, पंक्ति का अवयव लेने और उन्हीं के सहखंड लेने और उनका गुणा करके अगर उनको जोड़ें तो वो सारणिक के ए की जो सारणिक आएगी उसके बराबर आएगा। मीन्स फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। किसी रो के एलिमेंट्स हैं और उनके कोफैक्टर्स हैं, उनके प्रोडक्ट का सम है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो एंड देयर कोफैक्टर्स इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ए। एक्चुअली एक चीज दिमाग में रखना, मैंने यहाँ ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज लिखी, हर बार सारणिक की बात करता था, मैंने इस बार विशेष तौर पर अवयव की बात की, सारणिक नहीं लिखा है मैं, पंक्ति सारणिक की भी हो सकती थी, लेकिन एक्चुअली क्या है जब कोफैक्टर्स की बात करते हैं, सहखंडों की बात करते हैं, तो सहखंड जो होते हैं एक्चुअली वो अवयव के अवयवों के होते हैं, सारणिक के नहीं होते, ये कन्फ्यूजन है, हो सकता है कुछ राइटर्स या कहीं किसी में आपको मिल भी जाए, लेकिन ये कोफैक्टर्स दो चीज़ आती हैं इसमें, माइनस और कोफैक्टर्स, उपसारणिक और सहखंड, ये दोनों अवयव के लिए होते हैं, सारणिक के लिए नहीं होती है बात। तो अवयव के अवयवों की बात है तो अवयव के लिए ही कहना पड़ेगा फिर, कि अवयव के अवयवों, किसी पंक्ति के अवयवों और उसी के उन्हीं के सहखंडों का गुणनफल, तो ये क्या होगा, अवयव के सारणिक के मान के बराबर होगा। एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी है ये वही प्रॉपर्टी है जिसके, जैसे हम बोलते हैं सारणिक का मान निकालना, तो जो प्रसार विधि है सारणिक की, सारणिक का मान निकालने की जो प्रसार विधि है वही है एक्चुअल में। ये जो चीज है ये है सारणिक का मान निकालने की दो जो विधियां थी उसमें से जो प्रसार विधि थी ये वही है एक्चुअली प्रसार विधि। प्रसार में ऐसे करते हैं, हम एक कोई पंक्ति लेते हैं उसके अवयव के सहखंडों का गुणनफल करते हैं और उनको जोड़ देते हैं तो सारणिक का मान निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशन मेथड जो था वही है ये। अच्छा, मैंने इसी के साथ साथ नाइन्थ प्रॉपर्टी को भी लिखा है। ये क्यों लिखा है, एक्चुअली दोनों प्रॉपर्टी लगभग सेम है तो दोनों को एक एग्जांपल लेकर के साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसमें तो क्या है, एट्थ और नाइन्थ में क्या डिफरेंस है बताता हूँ आपको। इसमें है किसी एक पंक्ति और उसी पंक्ति के अवयवों, उसी पंक्ति के अवयव और उसी के सेखंड, उनका गुणनफल। यहाँ पंक्ति के अवयव किसी और के हैं और सेखंड दूसरी पंक्ति के हैं। पढ़ो, किसी पंक्ति के अवयवों तथा अन्य पंक्ति के संगत अवयवों के सेखंडों के गुणनफलों का योग।
अवयव एक पंक्ति के लिए और सेकंड किसी दूसरी पंक्ति के अवयवों के लिए उनके गुणनफलों का योग निकालते हैं तो वो हमेशा शून्य होता है। प्रोडक्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हैं और एलिमेंट्स किसी दूसरे रो के हैं तो उनके प्रोडक्ट का सम, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, उनको ऐड कर देंगे तो वो सम जो आएगा वो हमेशा जीरो होगा, ऑलवेज जीरो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसमें दोनों चीजों करके देखते हैं क्या है। चलिए मैं यहां पे एक मैट्रिक्स लिखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए इज इक्वल टू, यहां पर एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये 1 -2 -1 देन 2 3 0 एंड हियर इट इज -1 1 1। ये मैं ले लेता हूँ, ये मैट्रिक्स एक्चुअली मैंने पहले भी लिया था कोई एक प्रॉपर्टी में, तो मैं इसको इसलिए ले रहा हूँ, अगर आप इसको इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये 2 के इक्वल आएगा। मैं निकाल भी देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 -2 -1 2 3 0 -1 1 1। अब चूंकि ये एक्सपेंशन मेथड मैं इसको शो करके दिखाऊंगा तो मैं इसको सारूस डायग्राम से इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। सारूस डायग्राम में क्या करना है, फर्स्ट 2 कॉलम्स को यहाँ रखना है, 1 -2 -1 देन 2 3 0 ये रखा है यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे इन तीनों की, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई, इनको एक साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ये तीनों एक साथ ऐड कर दिए, फिर माइनस करके ये वाले ऐसे, इन तीनों की मल्टीप्लाई, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई और फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है तो ये 0 हो गया, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 हो गया, इनको ऐड कर ये माइनस करेंगे ऐसे, ये 1 बचेगा माइनस, ये -1 बचेगा तो 1 -1 ये हो गया आपका 2, 1 ± 1। चलिए ये 2 हो गया, यानी इसकी वैल्यू 2 आती है, डिटर्मिनेंट ए जो है इसका 2 निकलता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके कोफैक्टर्स निकालता हूँ, एक रो ले लेते हैं, फर्स्ट रो के कोफैक्टर निकाल लेते हैं सपोज, या फर्स्ट कॉलम के निकाल लेते हैं, किसी के भी निकाल सकते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ R1 के कोफैक्टर्स निकालता हूं। चलिए R1 के कोफैक्टर्स मींस जो यहां पे एलिमेंट होगा A11 होगा और इसका जो कोफैक्टर है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है Cij, तो मैं इस कोफैक्टर को लिखूंगा C11 तो C11 इक्वल टू -1 to the power 1 + 1, ये मैंने बताया हुआ है आपको किस तरह से होता है, इस रो को इसी कॉलम को छोड़ देंगे 3101, सो 3101 आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं C12 ये वाले का, C12 में ये दोनों सप्रेस हो जाएंगे सो ये आएगा -1 to the power 1 + 2 और ये बचेगा आपका -2 1 -1 1। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये सोल्व करने पे आपका आएगा -2 और +1 मीन्स -1, लेकिन इसकी वजह से प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद C13 मीन्स ये वाले का, सो ये चले जाएंगे -2 3 -1 0 -1 की पावर 1 + 3 और ये आया -2 3 और -1 0। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करने के बाद में ये आ जाएगा प्लस का 3। चलिए तो ये हो गए, ये मैंने तीनों कोफैक्टर्स निकाल लिए, कौन से के, R1 के। अब मैं R1 के ही एलिमेंट्स लूंगा और R1 के एलिमेंट की और इनकी कोरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करके देखेंगे। मैं ये चीज़ यहाँ निकालता हूँ, देखो क्या है, इधर आ जाते हैं, यहाँ चलते हैं। मैंने कौन सी रो के कोफैक्टर्स लिए थे, R1 के, तो R1 के ही एलिमेंट लूंगा A11 A12 A13। A11 के साथ मल्टीप्लाई होगी C11 की, प्लस फिर A12 C12, फिर A13 C13। चलिए मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो क्या है, A11 ये है 1 आपका, ये 1 और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी 3 की, फिर उसके बाद है 2 के साथ कोफैक्टर है 1, फिर थर्ड है -1 और -1 के साथ कोफैक्टर है 3। ठीक है, ये +3 ये -3 और प्लस का 2, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी और ये 2 जो आया ये डिटर्मिनेंट ए है, डिटर्मिनेंट ए हमने निकाला था यहाँ पे, ये वैल्यू 2 आई थी तो वो भी 2 आ गई। अब चलिए अब मैं बात करता हूँ, जैसे कोफैक्टर्स निकाले मैंने R1 के,
ठीक, मैंने आर वन के ही एलिमेंट लिए, आर वन के ही कोफैक्टर लिए, इनका मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, तो ये डिटर्मिनेंट ए के बराबर आ गया। अब मैं एलिमेंट दूसरे रो के लो लेता हूँ, सपोज मैं आर टू के लूँ, ठीक, मैं आपकी ये निकालूँ, आर टू के एलिमेंट मीन्स ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, तो ए टू वन सी वन वन प्लस ए टू टू सी वन टू और प्लस ए टू थ्री सी वन थ्री, मीन्स कोफैक्टर्स तो यही हैं, एलिमेंट्स दूसरे रो के ले लिए, सेकेंड रो के एलिमेंट और फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सेकेंड रो के एलिमेंट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट एलिमेंट है माइनस टू और इस माइनस टू के साथ में एक कोफैक्टर आएगा थ्री, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट है थ्री, सो प्लस का थ्री और इसके साथ में कोफैक्टर है वन, और फिर उसका थर्ड एलिमेंट है वन प्लस का वन और थर्ड कोफैक्टर था थ्री, तो ये हो गया थ्री, सो ये माइनस का सिक्स प्लस का थ्री और प्लस का थ्री, सो ऑब्वियसली इट इज़ ज़ीरो। ठीक, मैं अगर थर्ड रो के एलिमेंट ले लूं, मीन्स मैं यहाँ पे ये निकालूं, ए थ्री वन सी वन वन प्लस ए थ्री टू, ए थ्री टू सी वन टू और प्लस ए थ्री थ्री सी वन थ्री, तभी भी ये जीरो ही आएगा। माइनस वन जीरो वन, देखो ये माइनस वन है, यहाँ को फैक्टर थ्री है, फिर उसके बाद में बीच में एलिमेंट है ज़ीरो, जीरो के साथ में को फैक्टर वन और थर्ड एलिमेंट है प्लस का वन और वन के साथ में को फैक्टर है थ्री, सो ये माइनस थ्री प्लस जीरो प्लस थ्री, सो ये आ गया जीरो। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ को मैंने एक साथ डिस्कस किया, एट्थ और नाइन्थ को। एट्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि जो कोई भी एक रो लेंगे उसी के कोफैक्टर्स लेंगे, रो के एलिमेंट उसी के कोफैक्टर्स, अगर उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाता है, और अगर एलिमेंट एक रो के हों, कोफैक्टर्स दूसरे रो के हों, उनका मल्टीप्लाई करें तो फिर वैल्यू जीरो आएगी। ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखी है, ये आपको इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ए वन वन सी वन वन, यानी इफ इट इज ए आई जे देन दिस इज ए आई वन ए आई वन ए आई वन सी आई वन ए आई टू सी आई टू ए आई थ्री सी आई थ्री, मीन्स जे चेंज हो रहा है, जे वन जे टू जे थ्री, तो जे की वैल्यूज चेंजेस फ्रॉम वन टू एन। ये एन जो है ये इसके ऑर्डर से आएगा कि मैट्रिक्स ए जो है वो एन बाई एन ऑर्डर का है, ठीक। सो जे की वैल्यूज वेरीज फ्रॉम वन टू एन, सो ए वन वन ए आई वन सी आई वन ए वाई टू ए सी आई टू, इस टाइप से चलेंगे। जब मैं इस वाले में आता हूँ तो मैंने यहाँ पर ए आई जे लिया है, यहाँ लिया है सी के जे, आई एंड के आर नॉट इक्वल, मीन्स ये आई एथ रो है तो ये के एथ रो है, तो यहाँ पर रो चेंज हो गई डिफरेंट रो के लिए। तो अगर दोनों पंक्तियाँ एक ही हैं, उसी पंक्ति का भी उसी के सेखंड है, तो गुणा करने पर सारणिक के मान के बराबर आ जाएगा। अगर पंक्ति एक है और दूसरी पंक्ति के सेखंड है, उनका गुणा करके जोड़ेंगे तो फिर मान जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया नाइन्थ प्रॉपर्टी, आगे चलते हैं। देखो टेंथ प्रॉपर्टी क्या है, यदि ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन क्रम का कोई त्रिभुजाकार या विकर्ण आव्यूह है, तब सारणिक ए का मान, सारणिक ए डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री, यानी विकर्ण के जो अवयव हैं उनका गुणनफल जो होगा वो सारणिक ए के बराबर आएगा, चाहे वो विकर्ण आव्यूह हो या त्रिभुजाकार आव्यूह, दोनों कंडीशन में। इफ ए इक्वल टू ए आई जे इज ए डायगनल इज ए ट्राइंगुलर और डायगनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बाई एन, देन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री अप टू ए एन एन, मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल एलिमेंट्स। सिंपल सी चीज़ है, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हो, या तो डायगनल के फॉर्म में हो, डायगनल मैट्रिक्स हो, या फिर वो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ए इक्वल टू सपोज यहाँ पे हम लेते हैं टू ज़ीरो ज़ीरो थ्री फाइव ज़ीरो एंड वन टू फोर, ये मैंने एक डायगनल मैट्रिक्स ले लिया और ये लोअर सॉरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लिया, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, डिटर्मिनेंट इक्वल टू कुछ नहीं, सिंपल बस इसको डिटर्मिनेंट बना दीजिए। डिटर्मिनेंट बनेगा तो क्या होगा, टू थ्री वन ज़ीरो फाइव टू एंड ज़ीरो ज़ीरो फोर, इसको हम सोल्व कर लें। अब सीधी सी बात है, इसको सोल्व करने के लिए भी देखो ये जो फर्स्ट रो है इसका, इसी के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर दूं, इसमें दो जगह जीरो है तो बस ये टू आएगा और इस टू के साथ में जो इसका वो आएगा कोफैक्टर वो आ जाएगा फाइव ज़ीरो टू फोर, और ये भी कितना होगा फाइव इंटू फोर, सो एक्चुअली हो गया टू और अंदर यह है फाइव इंटू फोर, बाकी तो जीरो हो ही गया, सो एक्चुअल में टू फाइव फोर के इक्वल आ गया। और आप देखो यहाँ से, सो बस ये टू फाइव फोर ये है, ठीक। इसको तो मैं से भी समझ सकते हो, अगर मान लीजिए मैं इसको सारुष डायग्राम से सोल्व करता तो सारुष डायग्राम में भी ये तो आएगा, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो जीरो है तो ये जीरो होगा, जब थर्ड वाले की मल्टीप्लाई होगी तो उसमें भी जीरो है, जीरो आ जाएगा, जब ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये जीरो, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ जीरो आएगा, ये हो जाएगा, और जब इस वाले की मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें ये वाला जीरो आ जाएगा, सो केवल यही बचेगा टू फाइव फोर, ठीक है। तो बस यही आ गया, फोर्टी हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई,
ये रिटर्डेंट ए निकल गया। ऐसे अगर ये मान लीजिए सपोज डायगोनल मैट्रिक्स ही होता केवल, या कोई अपर ट्राइंगुलर ले लूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बी लेता हूँ और इसको मैं आपके अपर ट्राइंगुलर बना लेता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं 3 1 2 0 4 3 0 0 5, ये ए है। अब मैं इसका, ये बी है, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालता हूँ मैं, बी का मान लीजिए, बी का डिटर्मिनेंट निकाले तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट बी, इसमें भी क्या आएगा, जब इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे होंगे तो 3 0 0 then 1 4 0 and then 2 3 2 3 5, सो ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल टू दिस 3 4 5, 3 into 4 into 5, ये तो आएगा, बाकी ये सब जीरो बन जाएंगे। या फिर मैं इसको इस वाले के रेस्पेक्ट में कर दूं, इसके रेस्पेक्ट में भी अगर करता हूं तो इस 3 के साथ में क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और 3 के साथ में 4 3 0 5 4 3 0 5, सो 4 into 5, सो ये 3 और अंदर आ गया 4 into 5, सो 3 4 5 से इनकी मल्टीप्लाई हो गई 3 4 5। सो डायगनल में अगर मैं मान लीजिए इसको डायगनल मैट्रिक्स लूँ, सपोज सी इक्वल टू आपके सिर्फ डायगनल लेते हैं, ऐसे कोई ले लें 2 0 0 0 5 0 and 0 0 4, ये है। सो जब सी का भी मैं वैल्यू निकालूंगा तो ऑब्वियसली बस यही आएगा, सी का अगर डिटर्मिनेंट में निकालता हूँ तो इस 2 को लेकर के और 2 के जो को फैक्टर्स आएंगे ये होगा आपका 5 0 0 4, सो ये भी 2 4 5 आ जाएगा, 2 5 into 4, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी डायगनल मैट्रिक्स हो या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, भले वो अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है, किसी भी टाइप का, तो उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो सीधा सा काम है, कुछ भी नहीं करना, आप इनके सिर्फ डायगनल के जो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो, ए की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए अब ये 11th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 11th प्रॉपर्टी में क्या है, ये कहता है कि यदि सारणिक किसी चर एक्स का फलन है, कई बार सारणिक इस तरह से होता है कि उसका जो मान है वो एक्स पे डिपेंड करता है, तो चर एक्स का फलन है और अगर एक्स इक्वल टू ए रखने पर, एक्स इक्वल टू ए रखने पर सारणिक का मान जीरो होता है, तब उस कंडीशन में एक्स माइनस ए उसका एक गुणनखंड होगा। मीन्स इफ अ डिटरमिनेंट इज ए पोलिनोमियल ऑफ एक्स सच दैट एट एक्स इक्वल टू ए द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, देन एक्स माइनस ए विल बी द फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू जो आएगी उसकी डिटरमिनेंट की उसमें वो एक फैक्टर के फॉर्म में होगा। एक्चुअली होता कैसे है, सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, 1 1 1 ए बी सी एंड देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये मैंने एक डिटरमिनेंट लिया और अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी ए माइनस बी देन बी माइनस सी एंड देन सी माइनस ए, ये है एक्चुअली। तो होता क्या है एक्चुअली, ये जो प्रॉपर्टी है ये वैसे तो जनरली यूज में नहीं आती, लेकिन कई बार जैसे कंपटीशन में क्वेश्चन आए और आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा है, ये देखा कि इसके ऑब्जेक्टिव में दे दिए कि क्या होगा इसमें से, तो इसको बड़ा इजी वे में आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्या है देखो, सपोज अगर मैं इसमें ए इक्वल टू बी पुट करता हूँ, ए इक्वल टू बी पुट करें यहाँ पे, तो क्या होगा, ए की जगह जब बी आएगा जो फर्स्ट रो है वो हो जाएगा 1 बी बी स्क्वायर, सेकेंड रो 1 बी बी स्क्वायर है ही, और थर्ड रो है 1 सी सी स्क्वायर। सो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड रो है ये दोनों इक्वल हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। ए इक्वल टू बी रखने पे इसकी वैल्यू जीरो आती है, दिस मीन्स क्या होगा, ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, सपोज दिस इज डेल्टा, ओके। ऐसे अगर मैं इसमें बी इक्वल टू सी रख दूँ तो बी माइनस सी भी इसका एक फैक्टर आ जाएगा, इसकी वैल्यू में है। अगर ए इक्वल टू सी या सी इक्वल टू ए रख दूँ तो ये 1 ए ए स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट रो और थर्ड रो इक्वल हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी, तब सी माइनस ए इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो ये चेक करने के लिए है, उसमें इजीली आप चेक करके इसकी वैल्यू का पता कर सकते हैं, ऑप्शन ढूंढने में काम आ सकता है बस। बाकी याद रखना है कि अगर एक्स के मतलब किसी भी उसमें, जैसे ये सपोज ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है, इस तरह से, सो ए इक्वल टू बी रखने पर आ रहा है तो ए माइनस बी इसका फैक्टर हो गया, बी इक्वल टू सी रखने पर जीरो आता है तो बी माइनस सी फैक्टर हो गया। तो सीधी सी बात यह है कि इफ द डिटर्मिनेंट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ एक्स एंड एट एक्स इक्वल टू ए द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट। सो यहाँ तक ये 11 प्रॉपर्टीज हो गई। अब लास्ट प्रॉपर्टी बची है 12th प्रॉपर्टी, चलिए बात करते हैं 12th और लास्ट प्रॉपर्टी की। क्या है, यदि ए और बी समान क्रम के वर्ग आव्यूह हैं तब ए बी के गुणा का सारणिक बराबर होगा ए का सारणिक इंटू बी का सारणिक, दैट इज इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड बी।
ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, और सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगी, नहीं तो ए भी नहीं निकल पाएगा। तो ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, दोनों जो मैट्रिसेस हैं उनका मल्टीप्लाई करके दोनों मैट्रिक्स का, उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो दोनों के डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ठीक है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, दो ए और बी दो मैट्रिक्स लेकर के इसको हम शो करके देख सकते हैं। चलिए दो मैट्रिक्स लेते हैं, इक्वल टू सिंपल से ले लेते हैं 2x2 के, मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 3, 1, 2, 4, ये ए है, देन बी, बी इक्वल टू ले लेते हैं 1, 2, 5, 3, ये ए और बी दो मैट्रिक्स हो गए। एक ए बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ये हो गया और ये हो जाएगा आपका 8, 22, 9 और ये 16। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई, इसको डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं ए बी का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये हो गया 8 × 16 − 22 × 9, ये मल्टीप्लाई कर लिया ऐसे, और ये आगे 122 − 190 − 70। चलिए ए बी का डिटर्मिनेंट हो गया, अब ए और बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं दोनों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 10, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू हो गया −7, तो डिटर्मिनेंट ए और बी दोनों आ गए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 10 × −7, तो ये हो जाएगा −70। ठीक है, अब ये भी −70 था, सो आगे ये चीज़ सेम, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 8 × डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये एक जगह काम आएगी जब हम प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, डिटर्मिनेंट का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें एक चीज़ आएगी कि डिटर्मिनेंट का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको रो बाई रो, कॉलम बाई कॉलम, रो बाई कॉलम या कॉलम बाई रो कैसे भी कर लें, और वो चीज़ यहीं से आएगी। कैसे आएगी इसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे तब उसमें चल करके बात करेंगे। सो इस तरह से ये पूरे जो 12 प्रॉपर्टीज़ थी ये सबको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, आप अगर इनको पूरा स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट से 12 तक अगर देखेंगे तो उसके बाद गारंटेड है कि कोई भी जो प्रॉब्लम्स डिटर्मिनेंट को लेकर के होती हैं इस तरह के एग्जाम्स में आएंगे, कंपटीशन में किसी में भी आएंगी, सो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, बशर्ते आप इसको लास्ट तक देखें। और कैसा ये वीडियो लगा आपको इस पर कमेंट जरूर करें, और अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन आप दबा दें ताकि आपको रेगुलरली इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इसके बारे में आप मुझे कमेंट करें जरूर बताएं कि कैसा लगा, कैसा ये आपका लगा, ये पूरे 12 जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आप अच्छे से एक बार देख लें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत आए, कोई समस्या हो तो आप मुझे, मैं अपना सेल नंबर यहाँ लिख देता हूँ 9667918918, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम या वैसे भी आप मैसेज करके मुझे बोल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना ही है, दैट्स ऑल, थैंक यू।